हमारे साथ हाँ बातचीत सर, करने के लिए डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम सर क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो है कश्मीर घाटी में जो है सिलेक्टिव किलिंग्स की जा रही हैं, किस तरह से देखते हैं? कल 3 किलिंग और 2 आज सुबह हो चुकी है, और एमएल बिंद्रु की बात की जाए तो काफ़ी समय जो है 90 के समय से जो पीक था, जब मिलिटेंसी तब से सेवाएं वहाँ पर प्रदान कर रहे थे और आतंकियों द्वारा जो है एक निशाना बनाया गया उनको। देखिए, ये बहुत ही कहना चाहिए कि घिनौनी हरकत है पाकिस्तानी टेररिस्ट की कि आज ही हमने, मुझे अभी पता लगा है कि एक प्रिंसिपल और एक दूसरे टीचर, उनकी हत्या कर दी गई है। एमएल बिंद्रु जी को 2 दिन पहले मारा था। ऐसे ही एक गोलगप्पे वाला जो बाहर से था पासवां, उसको मारा गया। ऐसे ही जो है जावेद डार हैं, सुमो के ड्राइवर जो उसके एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, उनको मारा गया है। ये जो है पाकिस्तान की घिनौनी हरकत है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर आया है, उग्रवाद के ऊपर जो प्रेशर आया है, जिस तरीके से आपने देखा है कि यूएन जनरल असेंबली में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, आज अफगानिस्तान के इशू के ऊपर पाकिस्तान जो वहाँ अपना जो है जो उसकी जो रहता है एक घिनौना रोल रहता है, एक कायराना जो उसकी कोशिश रहती है अफगानिस्तान में भी जो तालिबानों को सपोर्ट करना, जिसके कारण वो उसको आज कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है पाकिस्तान को, चाइना भी उसके सामने खुल के नहीं आ रहा है। तो ऐसा पाकिस्तान और डेस्परेशन में ये बताने के लिए पे नहीं, मैं भी हूँ, इस तरीके से वो यहाँ जो है हरकतें कर रहा है, छोटी हरकतें कर रहा है, गरीबों को, मासूमों को, औरतों को ऐसे मार रहा है, निहत्तों को मार रहा है। पे आप में दम है तो आइए ना, बॉर्डर के ऊपर आइए, आपको जो है 90,000 लोगों को आपको वो जो है उसके आपके फौजियों को जो है सरेंडर करना पड़ा। कारगिल में जिस प्रकार से आपको मार पड़ी है, आप भागते नहीं रहे, आपने लाशें तक नहीं उठाई आपने, और ये आके आप लोगों को जो है पिट्ठुओं को यहाँ भेज के आप जो है मासूमों को मार रहे हैं। तुम्हारे मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे और पाकिस्तान टूटेगा, और अब देखेंगे कि इस प्रकार की बात को भारत सहेगा नहीं, और मुझे पूरा विश्वास है जल्दी आप इसका जो देखेंगे किस तरीके पाकिस्तान को सबक सिखाने के वाली बात आएगी। सर, क्या सुरक्षा फेलियर है या इंटेलिजेंसी का फेलियर है? देखिए, ये सुरक्षा जो एजेंसीज हैं उनका तो रोल रहता ही है कि सुरक्षा देना, उनका तो प्राइमरी रोल ये है, वो तो बात सही है आप, लेकिन साथ साथ ये भी है कि जिस तरीके से पूरे आम लोग हैं, मतलब है जो 60-70 लाख लोग हैं जो कश्मीर घाटी में हैं, सुरक्षा दी जा रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चोरों की भांति आते हैं, कायरों की भांति आते हैं। जैसे हमने देखा है कि एक सब इंस्पेक्टर को